ओके तो तुमने डोरेमोन तो देखा ही होगा एंड अगर तुमने नहीं देखा है तो कर क्या रहे हो तुम। डोरेमोन कैसे देखा तुमने? डोरेमोन देखो मेरा बचपन का सबसे ज्यादा फेवरेट कार्टून था, तो मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए एंड अगर एपिसोड थोड़े क्रीपी डरावने और मजेदार हो तो भाई क्या ही वीडियो बनेगी, और इसीलिए मैं वो सारे वीडियो लेके आ चुका हूँ। ओके ये हमारा पहला वीडियो डोरेमोन हॉरर क्रीपी पैरोडी। एक और नया दिन, एक और नया दिन नोबिता के घर में। भाई डोरेमोन है, ये क्या मेरे डोरा के? भाई इसकी ये देखो सर में कुछ तो दिक्कत आ रखी है, तार वार निकल रहा है। अबे तुम इसको पूरा देखो ऊपर से नीचे तक। मैं बता रहा हूँ अगर डोरेमोन ऐसा होता तो वो मेरा फेवरेट नहीं होता। ये डरावना है भाई, खत्म हो गए डोरेमोन। नोबिता, डोरा केक, मुझे और डोरा केक कर दो। लेकिन डोरेमोन घर में अब और डोरा केक नहीं है। क्या नहीं है? तुम्हें पता है ना नोबिता कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं। उसने वो हटा के बहुत बढ़िया अबे इतने सारे चूहे ऐसे क्यों निकल रहे हैं? भाई मेरे को लग रहा है डोरेमोन मेरा फेवरेट था बचपन में, बट अगर रियल डोरेमोन ऐसा होता तो शायद मेरा फेवरेट कार्टून डोरेमोन नहीं होता। डोरेमोन हॉरर पैरोडी। ओके ये हमारा अगला वीडियो। का यूनिवर्स है, उसकी मर्जी चलती है सिर्फ। नोबिता नोबिता तू कहाँ है? जल्दी आ। हाँ डोरेमोन सरकार क्या हुआ? मेरे डोरा केक्स कब आएंगे नोबिता? मुझे भूख लगी है। भाई डोरेमोन नोबिता दिखने में ठीक ही लग रहे हैं। वो दरअसल पैसे खत्म हो गए। तुम देख रहे हो अभी नोबिता डरा हुआ है ठीक है, बट उसके दांत देखो। मुझे नोबिता डरावना क्यों लग रहा है? मैं बर्तन मांज के अभी पैसे ले लूंगा, मुझे माफ करना। वाओ डोरेमोन तुम जो भी कहोगे वो मैं करूँगा। तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी नोबिता। मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे ठीक है? हाँ बोलो डोरेमोन मुझे क्या करना है? अब आएगा ना मजा। क्या है ये डोरेमोन? ये क्या है? तुम्हें बस इसे पीना है और सोचना है कि तुम एक बिल्ली हो, फिर तुम एक बिल्ली बन जाओगे और कुछ नहीं करना है तुम्हें। लेकिन मैं बिल्ला भी बन सकता हूँ डोरेमोन, जितना कहा है उतना ही करा करो। तुम्हें पता है ना तुम मेरे पालतू हो। बिल्ला ही बन सकता, बिल्ली क्यों बनना है? तुम मेरे पालतू हो रहा है डोरेमोन। बिल्ली बनने के बाद तुम मेरा क्या करोगे? वो मैं देख लूंगा नोबिता, बस तुम इसे पियो। मुझे समझ आ रहा है। वाह तुम एक काली बिल्ली बन गए हो नोबिता। मेरी बिग लाइट कहाँ गई? अभी मैं ढूंढता हूँ अपनी बिग लाइट। मुझे थोड़ा बहुत समझ आया बट मैं इस चीज को समझाना नहीं चाहूंगा। कुछ नहीं था गाइस, कुछ डार्क डोरेमोन है, गंदी हरकतें ही करेगा। एक और पैरोडी है। आ गया मूज कहीं का। हाँ बोल, बोलता ही रहेगा क्या? डोरेमोन वो है ना साला टेडे मुंह वाला, क्या नाम है उसका? कौन सुनियो? और वो मोटा गेंडा जियान। अब क्या किया उन्होंने? ये देख उन्होंने मार मार के मेरा सारा मुंह खराब कर दिया। हाँ तो वैसे तू कौन सा ऋतिक रोशन लगता है? डोरेमोन यार मुझे कोई गैजेट देना यार, मैं उनको अभी सबक सिखा के आता हूँ। अबे साले मैं रोबोट हूँ, कोई सेंटा क्लॉज नहीं हूँ जो सारा दिन तेली अपनी थैली में से गैजेट निकालता रहूँगा, समझा गया? और ये क्या, जब देखो मनोज की तरह रोता हुआ अंदर आ जाता है, डोरेमोन डोरेमोन मम्मी मम्मी भी कर लिया अगर कभी। जब देखो खाते समय डोरेमोन, नाते समय डोरेमोन, रोते समय डोरेमोन, हंसते समय डोरेमोन, मुझे तेरा फ्यूचर बनाने भेजा था साले, तेरे डूंगे साफ नहीं करने भेजे थे। डोरेमोन तुझे अस्थमा हो गया क्या? हाँ अस्थमा हो गया मुझे, मैं खुद अस्थमा हो गया उस साले जब से तू मेरी जिंदगी में आया। एक लड़की थी मेरी जिंदगी में, तेरी वजह से मुझे उसको भी छोड़ना पड़ा। किसे? मीचेन को? नहीं तो कौन?
सीजू का साले आरामी रकून कहीं का। अरे याद है भाई डोरेमोन की लाइफ में सीजू का भाई, ये तो ये वाली फोटो रियल हो रही है। और सीजू का तुम्हें पता मैं तुम्हें कब से कहना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? ओ मेरे प्यारे नोबिता, मैं भी तुम्हें कब से ये कहना चाहती थी कि तुम एकदम नल्ले हो, एकदम नल्ले। अपनी शक्ल देखिए मेंढक जैसी, और आंख ऐसे लगता है जैसे बंदर की लगा दी हो, और चलते हो तो ऐसे लगता है जैसे आदि मानव आ रहा है सामने से, देखते ही डर लगता है। हर चीज में लल्लू हो तुम, पढ़ाई में देखो, दौड़ने में देखो, खेलने में देखो, बस एक काम आता है तुम्हें, सांड की तरह सोते रहते हो जब देखो। लड़की मैं हूँ लेकिन हरकते तुम लड़कियों जैसी करते हो। आईसीजू का बहुत हो गया, अगर पसंद नहीं करती तो मना कर दो ना, एक भी खासियत है तुम्हें जो मैं तुम्हें पसंद करूँ है ना शिजू का। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और लोगों को भी इससे खुशी मिलती है, खुशी वुशी कुछ नहीं मिलती उन्हें, उन्हें घंटा ही फर्क नहीं पड़ता इससे। ये लो बच्चे, मैंने तुम्हारा गुब्बारा पेड़ से उतार दिया, अब खुश हो? अच्छा चलता हूँ, फिर मिलेंगे। एक नंबर का बंधु है, झाड़ियों को पेड़ बोल रहा है, नलायक कहीं का। ऐसा मत कर शिजू का, ठीक है अगर तुमने मेरे एक भी सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगी। तो बताओ दो और दो कितने होते हैं? ये तो बहुत आसान है शिजू का, दो और दो 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 पांच होते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे वो मोटी भैंस जैको ही चाहिए। ऐसा मत बोलो शिजू का, डोरेमोन ने मुझे दिखाया था फ्यूचर में हम दोनों की शादी हो रखी है। बंधु कहीं का व्हाट भाई। अबे डोरेमोन अलग गेम खेल रहा है, उसने अपने मुंह के ऊपर नोबिता का फोटो लगा हुआ ताकि उसे शक ना हो भाई। ओके अगली वीडियो सस्ता पॉडकास्ट। यो ही गाइस, तो आज मैं जिसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ वो हम सब के लिए काफी खास है। जी हाँ, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। तो मिलिए हम सब के प्यारे राज दुलारे आंखों के तारे डोरेमोन से। कितना अजीब नाम है। अबे ओ झिंगूर, बहुत हल्के में ले रहा है तू मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा टीवी में दिखाई देता हूँ, समझा गया? एक बंदर तेरे जैसे उछल रहा था बहुत ज्यादा, अपने बाप के दौलत की हेंकड़ी दिखा रहा था मुझे, टपका दिया उस भड़वे को। सुनियो नाम था उसका, सुनियो, और तुझे तो गाली ऐसे कोड वर्ड में दूंगा ना, फट जाएगी तेरी पैंट। भड़वे औकात में रह के हंस, समझा गया? हैं? अच्छा बताइए आप कौन सी दुनिया से आए हैं, काफी अजीब हैं आप। 22nd century। क्या 2020? लेकिन ये तो जीरो है। कैसा मंदबुद्धि इंसान है ये। अच्छा तो बताइए कि आपको नोबिता इतना पसंद क्यों है? घंटा पसंद है मुझे वो। लेकिन हम सब ने तो टीवी में देखा है कि आपको उसकी हर चीज पसंद होती है। घंटा। अच्छा तो आपको उसका घर पसंद होगा? घंटा। उसकी मम्मी? घंटा। उसके पापा? घंटा, डबल घंटा। तो फिर बैठा क्यों है वहाँ पर मोटे? मुँह से निकल गया, मजाक कर रहा था। लगता है ज्यादा ही चुल मची है तुझे उंगली करने की, एक बार जान भी ऐसी उंगली कर रहा था मुझे, और तब से उसका एक हाथ मेरी अलमारी की खुंटी पे ऐसे टंग रहा है, समझा क्या? और यकीन नहीं है ना तो जाके पूछ लेना नोबिता से, खौफ है पूरे मोहल्ले के अंदर मेरा, डोरा भाई कह के सल्यूट मारते हैं मेरे को। यू सही में स्काई डोरेमोन हो रहा यार। और ज्यादा उछलेगा ना तो तेरी भी मुंडी काट के मैं अपनी अलमारी में टांग दूंगा, फिर खेलूंगा तुम दोनों की बॉडी पार्ट से बैट बॉल झिंगूर। अच्छा तो हमें ऐसी कोई बात बताइए जो आपको काफी अच्छी लगती हो और आप हमें बताना चाहते हो। हाँ, एक बार नोबिता पाइप के ऊपर बैठा हुआ था। कौन सी पाइप? मेरे बाप की पाइप। अरे वही पाइप जहाँ पर वो गधे की तरह सोता रहता है सारा दिन, और तभी अचानक ही उसे पाइप के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उस पाइप के अंदर मैं था। तो आप रो रहे थे? नहीं, मेरे साथ सिजुका थी, वो उसकी आवाज थी। जब नोबिता ने हम दोनों को देखा तो मैंने उसे समझाया कि सिजुका दुखी है और वो रो रही है, मैं उसे चुप करवा रहा हूँ, उसका दुख बांट रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद ही नोबिता ने मुझसे बोलना ही बंद कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि दरअसल उस वक्त वो सिजुका के रोने की आवाज नहीं थी, और इसलिए आज भी वो मुझसे नाराज है, बोलता नहीं है वो मुझसे। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको काफी दुख हुआ होगा है ना? हाँ, जब से वो मेरी जिंदगी से गया है ना, अकेला हो गया हूँ मैं, उसके लिए मुझे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता भाई।
क्या हो रहा है? जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वो सब हो रहा है इधर। जो चीज एक्चुअल डोरेमोन में नहीं हो सकती वो यहाँ हो रही है। खबर चला गया मनोज कहीं का, जब देखो रोता रहता था मेरे आगे। तो क्या नोबिता की शादी हो गई? उस भड़वे का तो पता नहीं, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। ये एक मिनट, डोरेमोन के बच्चे, ये देखो ये मेरे बच्चे हैं। बेटा हाय बोलो इनको। डोरा 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 रा डोरा रा डोरा। ये शिजुका के साथ वाले बच्चे हैं, मतलब दोनों की शादी किससे हुई है? शिजुका से। भाई डोरेमोन टीवी पे एक्टिंग करता है, एक्चुअल डोरेमोन तो यहाँ रिवील हो रहा है। नोबिता कल हम अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं और हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे डोरेमोन। साले नोबिता बेरोजगार छपरी आदमी, तुझे कुछ काम धंधा है कि नहीं? पूरा दिन डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता रहता है। बस देखो इसको एक बारी क्या मकड़ी बन रखे है ये। मैं इसको नोबिता नहीं मान सकता यार। यानो सुनियो, अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। नोबिता तेरी औकात जाने की। अच्छा ठीक है नोबिता, मैं तुम्हें अंतरिक्ष में भेज ही देता हूँ, वैसे भी तुम धरती पे बोझ ही तो हो। सच में डोरेमोन? हाँ नोबिता। अरे ये क्या हो रहा है? नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। या जियान, नोबिता कभी भी अंतरिक्ष में नहीं जा पाएगा। हाँ सुनियो। भाई ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। तुम तीनों बिगमंगो को ये नहीं पता कि फ्यूचर में सिजुका मेरे से शादी करेगी? चल चल शकल देगी अपनी, मुझसे करेगी। बच्चों सब कुछ पैसे से होता है, मुझसे शादी करेगी। तुम तीनों का टैटू दबा दूंगा अगर सिजुका इस तरफ देखा भी तो। लो सिजुका आ गई। सारे समाने जाने पहचाने है डोरेमोन। सिजुका इनको बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगी ना। पर मुझे तो डोरेमोन पसंद है। लेकिन तुम तो फ्यूचर में मुझसे शादी करने वाली थी। मुझसे शादी करने वाली थी ना? कभी शकल देखी है अपनी? हैवान दरिंदा हर एपिसोड में मुझे छुप छुप कर नहाते हुए देखता है, सुअर का बच्चा। और तू क्या सूखी पपड़ी, दो चार मैथ के क्वेश्चन क्या सॉल्व करा दिए, खुद को आर्यभट्ट समझ रहा है। भाई व्हाट? ये सब रिवील हो रहा है यहां पे। बंदर, अगर इतने ही पैसे है ना तेरे बाप के पास, तो जा जाकर बोल कि तेरे लिए एक रशियन लड़की ले आए। और तू भैंस का बच्चा जियान, किसका बच्चा लेके घूम रहे रे इतने बालों से पेट में? क्यों किसी को वफा के डोरेमोन तुम आ गए मेरे सपनों के राजकुमार। डोरेमोन देखो ये सिजुका क्या बोल रही है, तुमने मुझे बताया था ना कि सिजुका मुझसे शादी करेगी। अच्छा मैं तुझे बताना भूल गया कि वो सब नकली था, भूल जा सिजुका को, मुझसे शादी करेगी वो, इसलिए तो मैं भविष्य से आया हूँ। क्या? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा तुझे से चुमू से पट जाएगी सिजुका? All my friends are toxic। उसने बोला इसलिए तो भविष्य से आया हूँ। भाई देखो आज रिवील हो चुका है सब कुछ, डोरेमोन नोबिता सिजुका सब एक्सपोज हो गया, और सबसे एक्सपोज हुआ है डोरेमोन और सिजुका। क्या लव स्टोरी चल रही है भाई, बहन के बच्चे तक हो गए। भाई ये मजेदार वीडियो था, मेरे को एक्चुअली ये सब देखने में मजा आया। एंड हाँ अगर तुम्हें मजा आया हो तो तुम लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मैं तुम लोग मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।